बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, कौम आद और कौम समूद दुनिया की तारीख में दो ऐसी कौमें गुजरी हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बेपनाह ताकत और बेपनाह कुव्वत से नवाजा था। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये कौम दुनिया की लंबी तरीन कौम थी। इनके जैसी कौम न इनसे पहले आई और न ही इनके बाद। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके जैसी किसी कौम को पैदा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कौम समूद के बारे में बात करेंगे जो कौम आद के बाद आबाद हुई। कौम आद दुनिया की सबसे पहली ताकतवर तरीन कौम थी। इस कौम ने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजल फरमाया और इस कौम को हलाको बर्बाद कर दिया। इस कौम का नामो निशान सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। इस तरह कौम आद की हलाकत के बाद एक दूसरी कौम मार्ज़े वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद कौम आद की नस्ल से ही थी और ये दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन कौम थी। कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद आद के छोटे भाई समूद की नस्ल से ये कौम वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाने लगा। ये कौम हजर के इलाके में आबाद थी और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फैलते चले गए, यहाँ तक कि ये लोग मगरबी और शुमाली अरब तक फैल गए। इस कौम ने अपना दारुल हकूमत हजर को ही रखा जो कि शहर हिजाज से बिल्कुल करीब वाके है, जिसे आज हम मदाइने साले के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, उस वक्त की सबसे सुपर पावर कौम कौम आदे सानी यानी कौम समूद थी। अल्लाह तबारक व ताला का इन पर यह खास करम था कि यह कौम इंतहाई ताकतवर थी और अल्लाह तबारक व ताला ने इनको बेशुमार नेमतों से भी नवाजा था। प्यारे दोस्तों, तारीख की किताबों में इस कौम का कद 40 हाथ बताया गया है और इनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल थी। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके जैसी कौम दोबारा पैदा ही नहीं की। ये ऐसी कौम थी जिनको कोई बीमारी न लगती थी और न ही इनके लोग बूढ़े होते और न ही इनके हाथ पाँव कमजोर होते। ये लोग हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते। ये लोग इतने ताकतवर थे कि इनकी नजर तक भी कमजोर न होती थी। प्यारे दोस्तों, कौम समूद की एक नुमाया खूबी ये भी थी कि अगर कौम समूद का कोई मर्द अपनी औरत के साथ एक मर्तबा हमबिस्तरी कर लेता तो वो औरत एक ही बार में हमला हो जाती। यही वो खूबी थी जिसकी वजह से ये कौम कौम आद की तबाही के बाद कौम समूद के नाम से उभरी और जल्द ही दुनिया के अंदर अपना असर और रसूख पैदा कर लिया। ऐसी शानदार कौम जिस कौम को अल्लाह तबारक व ताला ने बेपनाह ताकत और बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस कौम ने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजल फरमाया और इस कौम को सफाए हस्ती से मिटा दिया और इस कौम को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, इस कौम के घरों को आज भी अल्लाह तबारक व ताला ने निशाने इबरत के तौर पर बाकी रखा है। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों में रहने की शौकीन थी। ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उसके अंदर अपने खूबसूरत महल्लात बनाया करते थे और उसी के अंदर जिंदगी बसर किया करते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने कौम समूद को बहुत कुछ अता फरमाया था। सरसब्ज बागात, मीठे पानी की नहरें और पथरीली जमीन पर हर किस्म के फल। इस कौम के आलीशान महल्लात इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ दूर दराज से लोग इनके आलीशान महल्लात को देखने के लिए आया करते थे। प्यारे दोस्तों, कौम समूद अपने आलीशान महल्लात और सरसब्जो शादाब बागात और खूबसूरत मुर्गजारों और नेमतों की फरावानी की वजह से ये कौम गरूर और तकबर में आ गई और सरकशी के नशे में दूध होकर अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियां करने लगे और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को छोड़कर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की पूजा करने लगे और ये बात भी भुला बैठे कि कुछ अरसा पहले अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हीं की कौम पर इन्हीं गुनाहों की वजह से अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया था और उस कौम को सफाई हस्ती से मिटा दिया था। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की ताकतवर और बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत साले अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। चुनाचे हजरत साले अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक इस कौम को बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक सच्चे खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन कौम के सरदारों ने हजरत साले अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए
उनसे मुआवजा तलब कर लिया। उस कौम के सरदार हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज तक जो भी नबी आया वो अपने साथ कोई ना कोई मुआवजा लेकर आया, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हो तो हमको मुआवजा दिखाओ। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस कौम के सरदारों से पूछा कि आप लोग कौन सा मुआवजा चाहते हो, तो उस वक्त उस कौम के सरदार कहने लगे ये जो सामने चट्टान है इसमें से एक ऐसी ऊँटनी निकल कर आए जो गाभिन हो और आते ही बच्चे को जन्म दे दे और वो हम सब के लिए दूध दे और वो दुनिया की खूबसूरत तरीन ऊँटनी हो और इसके साथ साथ वो ऊँटनी ऐसी हो जिसका कोई माँ बाप ना हो। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों की ये बात सुनकर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये दुआ की, तो उनके देखते ही देखते सामने पहाड़ में से एक खूबसूरत हामला ऊँटनी निकल कर आई और आते ही उस ऊँटनी ने एक हसीनो जमील बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त उस ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे और उस ऊँटनी ने इतना दूध दिया कि सब लोगों ने पेट भर कर दूध पी लिया, इसके बावजूद भी दूध वाफर मकदार में मौजूद था। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ये अजीम शान मौजजा देकर वो तमाम कौम और उसके सरदार लाजवाब हो गए और उस बदबख्त कौम के सरदार हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ऐ सालेह अलैहिस्सलाम ये तो सरासर जादू है। इस तरह उस कौम के बदबख्त सरदारों ने और उस कौम ने ये मौजजा देखने के बावजूद भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया और उसी तरह अपने कुफ्र और शिरक पर अड़े रहे। चुनाचे उस कौम के कुछ लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि ये अल्लाह तबारक व ताला की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजजा है। अब तुम इस ऊँटनी को अल्लाह तबारक व ताला की जमीन में छोड़ दो और इसे किसी किस्म की तकलीफ न पहुँचाना, वरना अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। मुअज्ज़ज़ नाज़रीन, इस तरह अल्लाह तबारक व ताला की वो भेजी हुई ऊँटनी और उसका बच्चा कौमे समूद के खेतों में पूरा दिन चरते और उनके चश्मों का सारा पानी पी जाते। ये माजरा देकर कौमे समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की कि ऊँटनी और उसका बच्चा चश्मे का सारा पानी पी जाते हैं और हमको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो उनकी ये शिकायत सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दिन मुकर्रर कर दिए और इस तरह उस चश्मे के पानी को बांट दिया। एक दिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस ऊँटनी के लिए मुकर्रर कर दिया और दूसरा दिन उस चश्मे का पानी कौमे समूद के लिए मुकर्रर हो गया। प्यारे दोस्तों, जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती उस दिन वो दूध भी ज्यादा देती और दूध इतना होता कि दिन और रात में खत्म ही ना होता। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इस बात की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाता है, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये ऊँटनी है, एक दिन इसकी पानी की बारी है और एक मुअय्यन दिन तुम्हारी पानी की बारी है, इसको कोई तकलीफ न देना वरना अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह कुछ ही दिनों बाद कौमे समूद उस ऊँटनी से तंग आ गई, क्योंकि जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती उस दिन उनको पीने के लिए पानी न मिलता, और वैसे भी कौमे समूद के सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी को एक जादू करार दे रखा था। खैर, कौमे समूद के एक ताकतवर सरदार की बीवी जिसका नाम सदूक था, इस औरत के दो इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील बेटियां थीं, इनकी उम्र 12 और 14 साल थीं। इस औरत ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बेटे को ये लालच दिया कि अगर तुम अपने घर में मौजूद ऊँटनी को रात के अंधेरे में कत्ल कर दो तो मैं अपनी दोनों बेटियां इनाम के तौर पर तुम्हें दे दूंगी। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद चूंकि नेक थी, लिहाजा वो इस औरत के इस जाल में ना फंसे। फिर इसके बाद उस सुद्दूक नामी औरत ने पूरी कौम में ये ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी को कत्ल करेगा मैं अपनी दोनों कुंवारी बेटियों का निकाह उनको दे दूंगी। उस औरत का ये ऐलान सुनते ही उस कौम के दो नौजवान जिनका नाम मुसद्दा इब्ने दहर और केदार बिन सालफ था, इन दोनों बदबख्तों ने मिलकर उसी रात हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी को ज़िबा कर दिया। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला की उस भेजी हुई ऊँटनी को ज़िबा करने के बाद कौमे समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अगर तुम अल्लाह तबारक व ताला के सच्चे रसूल हो तो हम पर वो अजाब नाजल करो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो। इस तरह उस ऊँटनी के कत्ल होने की खबर सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हुए और जारों की तार रोने लगे। चुनाचे इस तरह उस ऊँटनी को कत्ल करने के बाद उस बदबख्त कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का भी इरादा कर लिया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, आखिरकार उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया
और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि जिस चीज से तुम हमको डराते हो, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे पैगंबर हो तो उस अजाब को हम पर ले आओ। इस तरह जब इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया और अपनी नाफरमानी में हद से ज्यादा बढ़ गए और खुद ही अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को तलब कर लिया, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूह से कहने लगे कि अब अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर उस कौम के 9 बदबख्त लोगों ने ये इरादा किया कि अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे ये 9 अफराद एक पहाड़ के पीछे छुप कर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगे कि कब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरे और माज अल्लाह हम उनको कत्ल कर दें। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत ऐसी हुई कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसी रात उन 9 अफराद पर पत्थरों की बारिश बरसा दी, जिसकी वजह से वो 9 के 9 अफराद हलाक हो गए और सुबह पूरी कौम के लोगों ने उन 9 अफराद की लाशों को देखा। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब और उन 9 अफराद की लाशों को देखने के बावजूद भी कौम समूद अपनी सरकशी से बाज ना आई और उसी तरह बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियों में मजीद हद से बढ़ने लगे। इस तरह जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम काबिले हिदायत ना रही तो उस वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं, जितनी चाहे ऐशो इशरत कर लो और शराबो शबाब में गुजार लो। 3 दिन के बाद अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतजिर है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जब उन्होंने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो और ये वादा झूठा नहीं। इस तरह जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब की वाइद सुनाई तो उस कौम के बेशर्म लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उस कौम के बेशर्म लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे कि आप ही बता दें कि हम ये 3 दिन शराब में गुजारें या शबाब में गुजारें। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि पहले दिन तुम्हारे चेहरों का रंग जर्द हो जाएगा और दूसरे दिन तुम्हारे चेहरों का रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे स्याह हो जाएंगे और चौथे दिन अल्लाह तबारक व ताला का दर्दनाक अजाब तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर इस बात का कोई असर ना हुआ, वो उसी तरह अपनी नाफरमानी में मुब्तला रहे और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियां करते रहे। और फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक तीसरे दिन ऐसा ही हुआ, जब उनके चेहरे काले हो गए तो अपने काले चेहरे देखकर वो कौम डरने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि न जाने कौन सा दर्दनाक अजाब अब हम पर नाजिल होगा और न जाने किस तरह के अजाब के अंदर हमको मुब्तला किया जाएगा। चौथे दिन एक जोरदार और खौफनाक चीख आसमानों से निकली, जिस चीख की वजह से तमाम कौम समूद के लोगों के कानों के पर्दे फट गए और उनके दिल जैसे बाहर आने लगे और रूहें जिस्मों को छोड़ने लगी और चंद ही लम्हों में वो लोग जहाँ जहाँ पर मौजूद थे वहीं अपनी अपनी जगह पर औंधे मुंह गिर गए और तड़प तड़प कर सब हलाक हो गए। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसा दर्दनाक जलजला भेजा, जिस जलजले की वजह से उन्हीं की घरों को उन्हीं पर गिरा दिया गया, जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत ताकतवर है और जबरदस्त है। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद उनकी नस्ल में से कौम समूद को हलाक किया और इस नाफरमान कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजल फरमाया और इस कौम के लोगों को सफाए हस्ती से मिटा दिया। और अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम के घरों के निशानात को आज भी बाकी रखा है ताकि लोग इबरत हासिल करें और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियों से बाज आ जाएं। इस कौम के घर आज भी लोगों के लिए इबरत का निशान बने हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हजूर आजी